से मन की बात इस महत्वपूर्ण पड़ाव तक पहुंचा है। मैं विभिन्न टीवी चैनल्स को, रीजनल टीवी चैनल्स का भी आभारी हूं जिन्होंने लगातार इसे दिखाया है। मन की बात के द्वारा हमने जिन मुद्दों को उठाया उन्हें लेकर कई मीडिया हाउसेज ने मुहिम भी चलाई। मैं प्रिंट मीडिया को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इसे घर घर तक पहुंचाया। मैं उन यूट्यूबर्स को भी धन्यवाद दूंगा जिन्होंने मन की बात पर अनेक कार्य, एक क्विज कंपटीशन भी चल रहा है जिसमें कोई भी व्यक्ति हिस्सा ले सकता है। mygov.in पर जाकर आप इस कंपटीशन में हिस्सा ले सकते हैं और इनाम भी जीत सकते हैं। आज इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर मैं एक बार फिर आप झांसी बुंदेलखंड में है जिसकी पहचान पानी की किल्लत से जुड़ी हुई है। यहां झांसी में कुछ महिलाओं ने गुलारी नदी को नया जीवन दिया है। ये महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं और उन्होंने जल शहरी बनकर इस अभियान का नेतृत्व किया है। इन महिलाओं ने मृतप्राय हो चुकी गुरारी नदी को जिस तरह से बचाया है उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। इन जल शहरियों ने बोरियों में बालू भरकर एक खौफ गांव का बड़ा तालाब जब सूखने लगा तो महिलाओं ने इसे पुनर्जीवित करने का बीड़ा उठाया। हरी बगिया स्वयं सहायता समूह की इन महिलाओं ने तालाब से बड़ी मात्रा में गाद निकाली। तालाब से जो गाद निकली उसका उपयोग उन्होंने बंजर जमीन पर फूड फॉरेस्ट तैयार करने के लिए किया। इन महिलाओं की मेहनत से न सिर्फ तालाब में वो पानी भर गया बल्कि फसलों की उपज भी काफी बढ़ी है। देश के कोने कोने में हो रहे जल संरक्षण के